आपकी अदालत इस देश का क्या विश्व को बोला जाए नंबर वन शो है, और देश के नंबर वन एंकर हैं रजत शर्मा जी, और यहाँ सच्चाई सामने आती है। जो बातें जनता को मालूम नहीं होती, रजत शर्मा जी अपने सवालों के थ्रू जो है वो सच्चाई सामने लाते हैं, जो सारी बातें जनता को पता लगती हैं। हम आम जनता पूछना चाहते हैं, वो पॉलिटिशियन हो या बॉलीवुड स्टार हो, कोई भी हो, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना वो आपकी अदालत में पूछा जाता है। रजत शर्मा, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, उनका जो रिसर्च है, मार्वेलस है, मतलब नॉन कंपेरेबल है। जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं हंसते हंसते, वो जख्म भी देते हैं तो लेकिन मुस्करा के देते हैं। मेरे फेवरेट है रजत सर, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं उनका शो नहीं देखता हूँ, और आपकी अदालत तो मेरा बहुत ही फेवरेट शो है। रजत जी का जो स्टाइल है ना, बात करने का, सवाल पूछने का, वो अद्भुत है। ऐसा किसी एंकर में, टीवी के एंकर में मैंने नहीं देखा। ये एक ऐसा शो है लोगों के छुपे हुए राज सामने आते हैं। इतने बड़े एंकर हैं हमारे, और क्या वो तीखे तीखे सवाल पूछते, पर डरते किसी से नहीं, पर अपने सवालों को रखने में कभी नहीं, कभी हिचकिचाते भी नहीं है कभी। आपकी अदालत में सर, जो उनका स्टाइल, एक तरीका, मतलब सारे बाहर निकालने का आंसर, वो बहुत अच्छा है कि वो बहुत प्यार से सवाल पूछते हैं। रजत जी का जो एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका, तीखे तीखे सवाल और बीच में हल्का सा एक नोकझोंक या हंसी मजाक भी, वो बहुत बढ़िया स्टाइल है सर का। एक ऐसा शो है जिसे पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ। आपकी अदालत एक ऐसा शो है जो हर कोई देखता है, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शो है, हर किसी से कनेक्ट हो जाता है। डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज होती है जो जनता को देखने में मज़ा आता है, साफ पता लग जाता है, सबका पर्दाफाश हो जाता है। एक्साइटेड हूँ रजत शर्मा जी से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू देखने के लिए, वो कैसे बात करते हैं, गेस्ट को देखने के लिए कौन आ रहा है। और इस शो पे बहुत कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा है, फैमिली के साथ रात को वेट होती है कि कब शो आएगा, कब सर आएंगे, तो ये शो बहुत एक्साइटिंग है। और हाँ, काफ़ी वेट है इस शो की हमें। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बाय गॉड वास्तव में कि मुझे आज लाइव रजत जी को देखने का मौका मिल रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे, इंडिया टीवी ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया आपकी अदालत के लिए। सर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, इंडिया टीवी पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और आपकी अदालत पे आने का हमें फर्स्ट टाइम चांस मिला है आने का। बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम एक्साइटेड टू सी कैसे मैं देखूंगी सब कुछ। अच्छा लग रहा है, अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा है, आज तक टीवी में देखा, अब पहली बार खुद आएंगे टीवी में हम लोग। शुक्रिया इंडिया टीवी का जो हमें मौका दिया है आने का और शो देखने का। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और रजत शर्मा को एकदम फेस टू फेस देखने को मिलेगा, लाइक ही इज माय आइडियल। वी लव यू रजत जी, वी लव यू रजत जी, वी लव यू रजत जी। मिस्टर गिरिराज सिंह है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश और जो दूसरी कंट्रीज से हमें टेक्सटाइल रिलेटेड जो कंपटीशन मिल रहा है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का और उनकी पॉलिसीज कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, उस कंपटीशन को कैसे हम फेस कर सकते हैं। गिरिराज जी से ये पूछूंगा कि मतलब हमारा जो हिंदुत्व पे हम बात करते हैं तो उसमें हम आगे एक्शन नहीं ले पाते, ये कमी है। बिहार में जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं बीजेपी की और उनकी खुद की। जज का काम एक मायने में बड़ा आसान है कि वो जो कहता है वही सही है। अब चूंकि वो जो कहता है वही सही है, इसलिए बड़ा कठिन है कि सही क्या है ये पता करना होता है जज को। तो मुझे लगता है कठिनाई नहीं आनी चाहिए, जो अंतर मन से, ईमानदारी से मैं महसूस करूंगा वो मैं फैसला दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अदालत में। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा।